पुलिस को आज बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस ने एसओजी टीम ने दो शातिर इनामी बदमाशों को गिरफ्तार किया है, जिनमें एक इनामी बदमाश रियाजुद्दीन एक लाख का फरारी इनामी बदमाश था, जबकि दूसरा रमन कपूर जिसके ऊपर 50,000 का इनाम था। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार किया है। एसएसपी पंकज भट्ट ने खुलासा करते हुए बताया कि 50,000 का फरार इनामी बदमाश रमन कपूर कुमाऊं ज्वेलर्स के स्वामी पर फायरिंग किए जाने के मामले में फरार चल रहा था, तो वहीं दूसरा 1,00,000 का इनामी बदमाश घोड़ा सहन गैंग का सदस्य है, जिसे पुलिस ने गोरखपुर उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किया है, जो कई सालों से उत्तराखंड पुलिस को चकमा दे रहा था। इशातर अपराधी ने 2018 में अपने साथियों के साथ मोबाइल शोरूम से लाखों रुपए के मोबाइल चोरी की घटना को अंजाम दिया था। स्टेट हेड असद खान के साथ नैनीताल ब्यूरो शैलेंद्र सिंह की रिपोर्ट। इसमें अगर देखा जाए तो पहला जो मामला है उसको हमने गोरखपुर से अरेस्ट किया। हमारी जो एसओजी की टीम और आपका हल्द्वानी कोतवाली की टीम है, ये रियाजुद्दीन है, 1,00,000 का इनामी है। इस पे 2018 में इसने ठंडी सड़क पे जो शोरूम था वहाँ से करोड़ों के मोबाइल की जो चोरी हुई थी नकबजनी, उसमें ये वांटेड चल रहा था और ये हमारी टीम के द्वारा इस पे लगातार कार्रवाई की जा रही थी और गोरखपुर से इसको गिरफ्तार किया गया है। दूसरा जो मामला था वो रमन जो आपका कुमाऊं ज्वेलर्स पे गोलीबारी में इन्वॉल्व था, उसकी गिरफ्तारी हुई है। 50,000 का इनामी था। इसमें कालाडूंगी पुलिस ने बहुत सराहनीय कार्य किया है और ये इस प्रकार जो है दो बड़े इनामी बदमाश पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए।